ये हल तो है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टॉप लिया था 5-7 मिनट का। हल तो पीछे हल तो चौराहा था। हल तो चौराहा था वो जहाँ पे सिंगाड़ा दिए हो। तो चौराहा था? हाँ, हल तो चौराहा वहीं पर सब जाती रोड डाल है वहाँ। हाँ, तो चौराहा ये यहाँ पर से जाती ईट गाँव पब्ली खैरई। तो पीछे जहाँ पे रुके थे वो हल तो चौराहा था। ये क्या है? ये रेलवे लाइन लिखी। ब्रिज है खागा का, रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज। मैं हूं शाहिद मुंबई से और ये है जिला फतेहपुर का खागा का एरिया, यानी मैं हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। यहीं पे दाईं तरफ एक टाकीज थी। उस टाकीज में मैंने बहुत पहले एक बार कोई फिल्म देखी थी, लेकिन अभी पता नहीं उस टाकीज का क्या हुआ। टाकीज तो ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं। और एक अलीपुर रोड पे एक टाकीज थी, बाईपास से पहले, पहले बाईपास नहीं बना था, वो भी बंद पड़ी है या तोड़ फोड़ दी गई मालूम नहीं कुछ। यह है मेन खागा, जीटी रोड सामने मिलेगी, दाईं तरफ इलाहाबाद और बाईं तरफ फतेहपुर कानपुर। दाईं तरफ सैनी 25 किलोमीटर और इलाहाबाद 85 किलोमीटर, बाईं तरफ फतेहपुर 35 किलोमीटर और कानपुर 106 किलोमीटर। वैसे जीटी रोड पकड़ने के बाद मेन खागा कहलाता है, मेन मार्केट यहीं पे है, इस जगह पे मेन मार्केट। अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले एक छोटी सी मार्केट थी इसी जगह पे। और जिधर ब्रिज से आया हूँ उधर तो सुनसान था, जंगल देहात, अभी वहाँ भी मार्केट बन गई है। यहाँ से दाईं तरफ एक रोड जाती है अलीपुर बहरा के लिए और वहीं से चौकी से लेफ्ट साइड महतगाम है और दाईं तरफ अलीपुर जीता। और ये है पुराना जीटी रोड, क्योंकि जीटी रोड एक्सप्रेस तो आगे है, जो दाईं तरफ अलीपुर बहरा के लिए रोड जाती है तो आगे बाईपास मिलता है, जीटी रोड एक्सप्रेस हाईवे। और जिधर मैं जा रहा हूँ वहाँ भी मुझे एक्सप्रेस हाईवे मिल जाएगा, क्योंकि ये सिटी का एरिया है। बाईपास बाहर से निकाला है लेकिन वहाँ भी लोग पहुँच गए हैं, दुकानें वगैरह डाल दिए हैं।
बता दिया हूँ 11 किलोमीटर, अम्बापुर 18 किलोमीटर लेफ्ट साइड, हालांकि सीधा है, लोग राइट में ना घुस जाएं इसके लिए लेफ्ट साइड का टर्न मार के दिया हुआ है। हसुआ 22 किलोमीटर, फतेहपुर 33 किलोमीटर है यहाँ से, मलुआ 47 किलोमीटर और कानपुर 104 किलोमीटर। और ये पकड़ लिया है मैंने हाईवे जीटी रोड, या अगर इसका पुराना नाम लूँ तो शेरशाह सूरी रोड, शेरशाह सूरी रोड नाम था इसका पहले, बाद में इसको चेंज करके जीटी रोड किया गया है। रोड चौड़ी करने का जो काम जारी था इस हाईवे पे, इसमें काफ़ी हद तक काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। बहुत सारे ब्रिज चालू हो गए हैं, जितने भी गांव के लिए टन आते थे वहाँ पे ब्रिज दे दिया है। फतेहपुर से खागा तक 3 या 4 ब्रिज चालू हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बाकी हैं। रोड तो चौड़ा हो गया है, ब्रिज का काम बाकी है। काफ़ी फास्ट रोड हो गई है, लेकिन अभी अड़चने ज़्यादा हैं, तो अभी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब काम मुकम्मल हो जाएगा और पट्टी वगैरह लगा दी जाएंगी, क्योंकि रात को बिना पट्टी के चलना बड़ा मुश्किल होता है, तब इस रोड पे चलने का मज़ा ही कुछ और होगा। लेकिन मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये मेरी रोड नहीं है। इस पे मेरा कुछ काम ही नहीं है आने जाने का, क्योंकि मैं तो मुंबई में रहता हूँ ना।
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.